हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो है ना, ये मैंने बनाई तो बहुत टाइम पहले थी। मैंने ये वीडियो बनाई थी 21 जनवरी को, बट ये बहुत लेट मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर डैट। क्योंकि ना एक्चुअली मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, तो इस वजह से मैं फिर कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। अपलोड तो मैंने कर दिया था, बट प्राइवेट में रखा हुआ था, तो इसलिए आज मैं वापस से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पुराना हो गया है, बट अब ऑलरेडी बन गया था, तो प्लीज़ देख लेना। दिन ना हम लोग 21 को हम निकल गए थे थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और पूरी मार्केट सब कुछ इतना अच्छे से सजा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था सच में दिवाली आ गए हैं। और दिवाली वाले दिन जिस तरह से पूरे मार्केट में एकदम सब नई नई चीज़ें मिल रही होती है ना, इसी तरह से पूरी मार्केट लगी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी ये मार्केट। और मैंने फिर वहाँ से जाके फ्लावर्स वगैरह भी लिए वहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए अपने घर के बाहर। और सब फूल वगैरह लेने के बाद फिर हम लोगों को कुछ और भी आइटम्स लेनी थी, तो उसके लिए भी हम निकल गए। यहाँ पे मैंने आंटी को बोल दिया तोरण बनाने का, कल भी नहीं था और अभी कल होगा तो देखेंगे, कल होगा तो देखेंगे, हाँ कल होगा तो देखेंगे। बट अभी हम लोग बाकी की शॉपिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा रश है मार्केट में, चलो पहले शॉपिंग करते हैं। निकल गई आगे, और फिर यहाँ से मैंने ना कुछ दिए भी खरीदे और कुछ सजाने का सामान भी लिया, जैसे दिवाली पे हम लोग रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और दिए भी मैंने बहुत सारे ले लिए थे, सिर्फ 5 नहीं बहुत सारे लिए थे, तो वो भी लिए। और फिर थोड़ा और आगे गए, अभी हम लोग यहाँ पे आए पटाखे, कल दिवाली है ना, दिवाली कैसी पटाखे बड़ी फूल चाहिए, ये बड़ी फूल चाहिए, मैंने कभी नहीं देखी। लेना है कौन सा लेना है? नहीं फुलझड़ी लेंगे, और मैं यहाँ पे ना लक्ष्य को मना कर रही हूँ, जा रहा हूँ पटाखे लेने के लिए, बट वो लेता जा रहा है। और फाइनली मुझे यहाँ पे ना झंडे मिल गए घर के बाहर लगाने के लिए, सो वो भी मैंने ले लिया। अब सारे सामान मिल गया था, तो हम लोग फिर निकल गए। और फिर ये नेक्स्ट डे 22 जनवरी का, और बस वो दिन आ गया जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। और बस हमने इसी तरह से टीवी पे देख के इंजॉय किया, क्योंकि हम लोग अयोध्या तो जा नहीं पाए थे, तो सब ने ही इंजॉय किया था, ऐसी बात नहीं है। ये दिन ऐसा दिन था जो मतलब इतने सालों से हम लोग वेट करते आ रहे थे, और इतने सालों का इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया था, तो और क्या चाहिए। बस मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मतलब कितनी खुशी हो रही थी उस दिन, और कि ऐसे लग रहा था साक्षात मैंने वहाँ जाके ही दर्शन कर लिए, क्योंकि मन में भावना होनी ज़रूरी है। और पूरा का पूरा हम लोगों ने ये एपिसोड देखा था, पूरे प्राण प्रतिष्ठा और किस तरह से सब हुआ, और हमारी बिल्डिंग में भी बहुत अच्छा फंक्शन रखा गया था उस दिन शाम के टाइम पर, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ, पूजा हुई, फंक्शन हुआ, बच्चों ने डांस किया, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे थे ना, तो मैं अभी आपको अभी आगे दिखाती हूँ। और ये हैं हमारे राम जी जो यहाँ पे हमने स्थापना किया था, और आरती भी की थी, और अभी ना बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे हैं जो राम जी भी बनेंगे, कुछ हनुमान बनेंगे, और लक्ष्य ने भी डांस किया था, तो वो सब मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी आप लोग भी देखिएगा कि उस दिन हमने कितना अच्छे से ये दिन को मनाया था, बिल्कुल दिवाली की तरह। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, ये वीडियो बहुत लेट आया है तो उसके लिए सॉरी।